लाल बन के घूम रही हो, लाल है। अच्छा अच्छा, हैंडल छोड़ेंगे तो गाड़ी एक साइड भागेगी, अगर एक साइड भाग रही है या राइट भाग रही है। पानी ऊपर है पेट्रोल, तो पेट्रोल का जो घनत्व है वो पानी। मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। ये व्लॉग स्टार्ट होने वाला था सीधा गाड़ी का अलाइनमेंट से, लेकिन स्टार्ट हो रहा है इस गाड़ी का सीधा ये सिस्टम खोलना है, क्योंकि कल गाड़ी हम अपने एक दोस्त को दिए थे। कल आपने ब्लॉग देखा कि दोस्त सीधा गटर के ऊपर से लेके चला गया गाड़ी को, फिर पता नहीं गाड़ी कैसे चलाया। गाड़ी में थोड़ा हीटिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, मतलब गाड़ी में इंजन चेक लाइट और हीटिंग का सिंबल आने लगा है। अरिफ से पूछा तो उसने कहा कि गाड़ी में शायद लिक्विड कूलेंट खत्म हो गया हो, चेक कर लो। तो इसका लिक्विड कूलेंट भी चेक करने के लिए भाई इतना मतलब इतना काम करना पड़ता है, अगर आपने साउंड सिस्टम बिठा के रखा है। खुल गया, हटाते हैं, और वो रहा उसका रेडिएटर। सिर्फ लिक्विड कूलेंट चेक करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, बाकी कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है। ऑल सेट, ऑल ओके दिख रहा है। ये ठंडा हो जाए तो ही खोलना अच्छा रहता है। ओह, लिक्विड कूलेंट जो है नहीं है। ये कितना लिक्विड कूलेंट, अरे माइला पहले गिरा दिया। देखो लिक्विड कूलेंट जो है पूरा गायब हो चुका था। अब ये जा रहा है इसमें एनर्जी। ओहो, तो अच्छा खासा लिक्विड कूलेंट नहीं था इसमें। ये जो फेस पे पसीना दिख रहा है ना, ये अंदर 10 मिनट काम करने का नतीजा है। मतलब ठीक है कि पता चल जाता है इसके बारे में, मतलब मीटर बॉक्स में जो है इंजन चेक लाइट और हीटिंग का सिंबल आ रहा था। हीटिंग का सिंबल आया मतलब गाड़ी में या तो ऑयल कम होगा या तो लिक्विड कूलेंट कम होगा, ये दो की वजह से गाड़ी हीट हो जाता है। और एक हीट होने का रीजन कि अगर इसका लिक्विड कूलेंट भी है, ऑयल भी है, तो जो रेडिएटर का फैन होता है वो काम करना बंद कर देता है, तो उससे गाड़ी और कूलिंग होती नहीं है। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, आसान तरीके से हो गया। अब इसको लेके चलते, सबसे पहला ये टायर चेंज करने, एक और वापस इसमें बहुत बड़ा गोनी फंस गया था। काम करने के बाद आके ना यार आंख लग गई मेरी यार, तो अभी जस्ट उठाऊ चाय पी लिया। जाते हैं हम कहां पे, सीधा किसी टायर वाले के पास, मतलब जो टायर चेंज करते हैं ना उन लोग के पास ये मशीन होता है, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है उनके पास जाते हैं और देखते हैं अलाइनमेंट में क्या होने वाला है और दो टायर का जुगाड़ हो सकता है क्या। नया टायर बहुत महंगा है यार, मैंने जस्ट बोरा बाजार में कैमरा भी दिया है, वो कैमरा भी मुझे लेके आना है, उसका लेंस उसमें भी 6000 रुपए खर्चे हो चुके हैं। अगर मैं इस गाड़ी को धीरे धीरे चलाऊ ना, तो बैलगाड़ी में और इस गाड़ी में कोई अंतर नहीं है, एकदम दुगड़ 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 चलती है। मैं ट्राई करता हूँ, ये देखो, आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी जो है ये दुगड़ दुगड़ चल रही है। ऑलरेडी एक गाड़ी लगा हुआ है, तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। यस, फाइनली जहाँ पे अपने बाइक के सारे टायर ट्यूब के काम कराते हैं वहीं पे आए हैं, और वहां पे देखो आ रही अपनी फरारी, जिसमें ऑलरेडी देखो कुछ ना कुछ तो अटका हुआ है। और भाई साहब टायर देख के बोलते हैं ये टायर तो खराब हो चुका है, क्या करें, टाइम ही नहीं मिल रहा था और समझ नहीं आती कहाँ पे जाए। बस उतना ही बंद होएगा वो, हाँ उसका वो लॉक खराब है, ये रहा स्टेप में। अभी तो एक ही टायर है, बाग मंगाने वाला हूँ बाकी सब। ये काम जो होता है बहुत ही जरूरी होता है एक गाड़ी के लिए, और ये काम जल्द से जल्द कराना होता है। और मैं इसको मतलब 1200 किलोमीटर चलाने के बाद ये काम करवा रहा हूँ, और ये टायर को भी मानना पड़ेगा कि भाई एक भी पंचर हुआ नहीं, इसने बहुत ही अच्छा साथ दिया। अच्छी अच्छी जगह लेके गए हम और गाड़ी को चलाए। मैं 4 बार निकाल चुका हूँ। हाँ पीछे पकड़ा है, हाँ ऊपर ऊपर, हाँ अभी टेंशन नहीं, आप ये लो।
अच्छा टाटा में दो मॉडल है, एक 2009 का और एक 2017 का। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट जनरेशन आया नहीं। हाँ हाँ नेक्स्ट जनरेशन। ओके तो बस आपको इस पे क्लिक करना और फिर सारा काम जो ये मशीन करता है इतना बड़ा है, वहाँ पे कैमरा सेंसर लगा हुआ है और वहाँ पे देखिए एक सेंसर बोर्ड लगा हुआ है जो जहाँ से डिटेक्ट करता है। तो देखिए जैसे आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि वो फ्लैश हो रहा है और ऐसे वो आंखों से दिखाई नहीं देता, तो वही है इस मशीन की खासियत। और ये देखिए ये चेक कर रहा है सिस्टम, अभी पता चलेगा कि कितना क्या गलत है। तो ये पीछे का शायद से नहीं है, आगे का है काम करने वाला, क्योंकि पीछे लगाया तो नहीं है। पीछे वाला नहीं लगता क्या? पीछे तो बारह गली में ना। हाँ तो ये बड़ा तो है, तो जमीन में। ओके 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 तो ये 12 का रिम, मतलब ये छोटा रिम है। चलो ठीक है, फाइनली आज हो रहा है। और नीचे देखो कितना पानी जमा है, यहाँ कहीं से जमीन से पानी आ रहा है भाई। पूरा आउट है ना? पूरा वो तो आउट रहेगा ही, आउट। दो डिग्री है, दो डिग्री आउट है, दोनों आउट है। तो भाई साहब तो दोनों आउट है, तो आई होप कि अभी सीधा हो जाए और टायर की लाइफ और अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। तो भाई टायर का अलाइनमेंट, मतलब फोर व्हीलर का अलाइनमेंट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये फेस कर लिया, मेरा अच्छा टायर खराब हो चुका है और गाड़ी भी बैलगाड़ी जैसी चलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं कि वैसे अलाइनमेंट करने से कितना फायदा हो जाता है और आपके गाड़ी के टायर का जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपाइंड हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो वो भी हम कराने आ गए। चलो तो ये ग्रीन मतलब पहले ऐसे रेड में था, ये वाला रेड में है अभी और ये माइनस में, ये भी आ जाएगा मतलब ये साइड का। ओके तो पता नहीं क्या कुछ तो रहता है, 3-4 नट अंदर स्टीयरिंग रॉड का रहता है। हाँ आपका पानी खत्म हो गया, तो भाई साहब मोटर से पानी भी निकाल रहे हैं यहाँ से। सही है, मतलब 5 मीटर होगा गहरा ये, 5 मीटर। और देखो जमीन से पानी एकदम छन के आ रहा है, पीने लायक पानी है ये। तो ये स्टीयरिंग भी ठीक कर रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। ये काम बहुत पहले ही कराना था लेकिन भाई नहीं मिल रहा था टाइम। देखो मॉनसून में टाइम मिल गया, अब रेडी करा के इसको निकलेंगे भाई। लेकिन इसका दोनों टायर चेंज करना है पीछे का। हेलो हम यहाँ अंदर आए और बारिश चालू हो गया, असली मजा बारिश में ही है। अभी स्लो में चलाना, देखो घूमता है क्या नागिन जैसा। नहीं वो टायर खराब हो गया था इसलिए ना, वो टायर बहुत खराब हो गया था। ऑलमोस्ट हो गया भाई, अब काम कराए तो हो ही जाएगा ठीक। और मुझे ये बताइए मतलब अलाइनमेंट के क्या चांसेस, मतलब क्या सिंबल रहता है? समझो कोई नई गाड़ी है और 6-7-8 महीना या 1 साल हो गया, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब हो चुका है? जैसे आपका टायर हल्का हल्का घिसेगा। हाँ नहीं तो गाड़ी एक बाजू धीरे धीरे छोड़ेगी, रास्ता छोड़ देगी। अच्छा अच्छा हैंडल छोड़ेंगे तो गाड़ी एक छेड़ भागेगी, भाग जाएगी। अगर एक छेड़ भाग रही है या राइट भाग रही है लेफ्ट भाग रही है, समझ जाओगे अलाइनमेंट का काम आ चुका है। और वो नहीं कराएंगे तो क्या होगा? टायर घिसेगा, टायर घिसेगा तो टायर की लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी। जैसे कि हमारे गाड़ी की हालत हुई है, वो टायर पूरा घिस चुका है, वो तो ज्यादा ही आउट हो गया था। तो ऐसा लगे कि आपकी भी गाड़ी स्टीयरिंग छोड़ने के बाद राइट साइड जाती है या लेफ्ट साइड जाती है, तो भाई अलाइनमेंट कराना बहुत ही जरूरी है, उससे आपके टायर की लाइफ बच जाएगी। थोड़ा कम दिखता है लोग, अरे हाँ नहीं वही लोगों को कम दिखता है। हम कितना भी सेफ चले बारिश में लेकिन सामने वाला ठोक देता है। एक दिन बारिश में सामने वाला ना, मतलब उस साल में रास्ता क्रॉस कर रहा था तो एक गाड़ी मेरे आगे रुक गई, वो टर्न मार रहा था वहाँ रुका था, उसने ना सिर्फ सामने देखा मुझे नहीं देखा और आके इस साइड में ठोक दिया। 401 ना 100 किलोमीटर चला है, एक ही पॉइंट गया है और वो भी फुल एसी में चला है, मतलब इसका एवरेज अच्छा है। किसी किसी का एवरेज कभी मिस हो जाता है, तो भाई हाँ 25 नहीं मतलब 22 का एवरेज रहेगा। नहीं 25-26 निकलती पब्लिक ना। बढ़िया तभी तो लिया यार, 800 छोड़ के ये लिया मैंने, और दोस्त बहुत गाली देता है, 800 ले ले तो अच्छा रहता। ये रहा अपना बिल नैनो का, 200 रुपया, मतलब मुझे लगा कि 350 रुपया होगा लेकिन 200 रुपये में, क्योंकि काम भी छोटा था ज्यादा था नहीं। मेरे से पहले एक इको गाड़ी थी जिसमें 550 रुपये का, मतलब 500-550 रुपये का बिल आया। तो इसमें भी अलग अलग काम रहते हैं, जितना काम रहेगा उतना बिल आएगा, लेकिन अलाइनमेंट में 300 से 350 तक जाता है। इतना गेट कौन बंद करता है? तू है तो मुझे यस, गाड़ी रेडी हो गया है, तो क्या प्लान है चले कहीं? लाल बन के घूम रही हो, लाल है ऐसा मत करना यार। ये सुना है कल संडे, मतलब जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो संडे को हमने प्लान किया है लोनावला जाने का। फर्स्ट टाइम रश्मि जी जाएंगे लोनावला खंडाला, जल्दी क्या खंडाला, ऐसा डरा के लेके जाएंगे तो पूरे ट्रिप का प्लान चौपट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, जस्ट फॉर जोक।
बहुत कर लिया हमने फरारी की सवारी, फरारी को भी ठीक, लेकिन सच्ची में एक तारीख को मौसम जो है वो ठीक भी होता है, बारिश भी होता है। मतलब कभी कभी एकदम बारिश रुक जाती है लेकिन काले बादल दिखाई देते हैं, और कभी कभी काले बादल और बारिश भी आते हैं। ये चाबी में क्या हो गया भाई, देखो कितने दिन के बाद चालू करूँ कि लगता है जंग पकड़ लिया चाबी के अंदर। ये भी होता है, इसलिए इसके अंदर भी ऑयल वॉइल ऑयल अगर मार देंगे ना तो वो अच्छा रहेगा। देखो इसलिए भाई बारिश में ना सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चलाते रहो। हाँ अभी इसमें ना ऑयल मारना पड़ेगा वरना ये, अरे खुल तो गया था। ये देखो ये, इसको तो पकड़ना पड़ेगा भाई। ये रिक्शा वाले ने तो आतंक मचा दिया भाई साहब, होगा लफड़ा। बहुत ज्यादा इसने कट मारा था रिक्शा। अरे कैसा है ये उल्टा पुल्टा मशीन, ये चाबी का ना, छी 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 छी, वाह वाह वाह, कितना गंदा ऑयल है इसके अंदर। अरे अच्छा ऑयल किधर है, मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है, उसमें ऑयल डाल दिया, काम हो गया। लेकिन अभी ये सामने जो बाइक है और इसमें जो काम है वो काम हर किसी के बाइक में आ रहा होगा। बारिश के टाइम में क्या होता है कि टैंक से लीकेज होकर पानी पेट्रोल में मिक्स हो जाता है और गाड़ी कहीं भी बंद हो जाती है। तो भाई साहब इस तरीके से दिखाई देता है जब पानी में पेट्रोल मिक्स होता है, तो नीचे है पानी ऊपर है पेट्रोल, तो पेट्रोल का जो घनत्व है वो पानी से काफी पतला है और लाइट वेट है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर रहा है। इसको अलग कर, अरे नीचे कर। हाँ ये बहुत पहले मैंने शमशाद के पास देखा था। तो इस तरीके से क्या है कि पानी जो है नीचे आ जाएगा और पेट्रोल ऊपर, और इसको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से छोड़। ये देखो हो रहा है पेट्रोल से पानी अलग। कमल क्या क्या चीज रखने लगा है यार, ये भी बहुत सही चीज। मतलब इसमें तीन लाइट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो मोबाइल लगा के चार्जिंग करना है। अच्छा मोबाइल से इसको चार्ज कर सकते हैं। ये एक पे इतना ब्लास्ट, फिर दो, फिर तीन। ये वाला पार्ट बहुत सही है यार, दैट वाज, ये बहुत अच्छा है। देखो इससे इतना अच्छा लाइट आ रहा है, इसको उसके बाजू में बटन है, ये हो गया बंद। तो ये कैमरे का लाइट है, ओके। अब ये लाइट देखो वन, तो यार ऐसा एक लाइट लेना पड़ेगा यार, इससे काफी ज्यादा अच्छा ब्लॉगिंग कर सकते। ये कि आंखों पे डायरेक्ट आ रहा है तो फिल्टर नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल है। और ये सेकेंड बंद, ये वन, ये टू, ये थ्री, क्या बात है यार। नया वाला बैटरी है तो इसमें तो GoPro बहुत ही बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जैसे इसमें पुराना वाला बैटरी डाल के देखा वो कैसा चल रहा है, क्योंकि एक और पुराना वाला बैटरी है। ये देखो ये ऐसे यहाँ से फूक गया और निकल गया, तो अभी 10 सेकंड के ऊपर तक वीडियो चल रहा है। मुझे लगता है कि ये वाला ही बैटरी खराब हो गया है। दूसरा बैटरी है जो वो बैटरी जो दूसरा वाला बैटरी है वो बैटरी थोड़ा बचा हुआ, जो इसके अंदर भी मैंने लगाया और वो काफी अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये सॉरी, ये दोनों बैटरी खराब, मुझे लगा कि बैटरी सही रहेगा लेकिन ये दोनों बैटरी खराब हो गया, वीडियो चलते चलते बीच में अटक गया। सो इस दोनों बैटरी को रख देते, पता नहीं ये रखे खराब हो गया है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में। और दूसरा ब्लॉग रहेगा राइड का, मैं और रश्मि हम दोनों साथ में एक राइड पे, पहली बार इसका ब्लॉग आएगा राइड का।